हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स आज की स्टोरी बहुत मैजिकल है आज जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ वो स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और इसके साथ ही मैंने स्टोरी में जो भी ट्रिक्स टेक्निक्स उन्होंने यूज़ करी है उसकी लिस्ट बना के उसे एक्सप्लेन भी किया है तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी भी इंडिया से है एंड स्टोरी लिखने वाली गर्ल ने अपना नाम लिखा है हैप्पी गो लकी गर्ल ठीक है उन्होंने अपनी स्टोरी का नाम रखा है ड्रीम लाइफ पार्टनर वो लिखती हैं हेलो एवरीवन मैं इंडिया से हूँ और मेरे माता पिता लंबे समय से मेरे लिए लड़के की तलाश कर रहे थे यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता था जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ढूँढते एंड जिससे वो मुझे मिलने के लिए बोलते थे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना जारी रखा मुझे अपने पार्टनर में क्या चाहिए मैंने यह चीज़ मल्टीपल टाइम्स लिखी थी यानी उन्होंने अपने पार्टनर की क्वालिटीज़ मल्टीपल टाइम्स लिखी थी जो वो चाहती थी कि उनके पार्टनर में हो इसमें कुछ समय लगा मेरा परफेक्ट पार्टनर मेरी लाइफ में आया और वह भी दो को के बाद उसका नाम उस पर्सन के सिमिलर था जिसे मेरे फादर ने मैरिज ब्यूरो से फ़ोन किया था मेरे पिता ने उसे फेसबुक पर ढूंढा और को इंसिडेंट से मेरे सोलमेट के प्रोफाइल मेरे पापा के सामने अपीयर हो गई और मेरे फादर का एक फ्रेंड उसका भी फ्रेंड था यानी दोनों में एक कॉमन फ्रेंड था मेरे फादर ने उस कॉमन फ्रेंड से बात की और जब उन्होंने बात की उससे तो उसने मेरे सोलमेट की बहुत ज़्यादा तारीफ की मेरे पापा ने उससे कांटेक्ट किया लेकिन कुछ इशूज़ के कारण मेरे सोलमेट की बात उनसे नहीं हो पाई मैंने भी उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया कुछ महीनों के बाद संयोग से जो मैसेज मैं अपने जूनियर को सेंड करने वाली थी वो मैसेज मैंने गलती से अपने सोलमेट को सेंड कर दिया उसके बाद हम दोनों की चैटिंग स्टार्ट हो गई इसके बाद कुछ और महीने लगे फिर उसने कहा कि हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है इसीलिए मैं कह सकती हूँ यूनिवर्स ने मेरे सोलमेट को जादुई तरीके से मेरे लाइफ में ला दिया मैं बहुत खुश हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स मैं बहुत बार होपलेस भी हो जाती थी पर पेशेंस एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट ने मेरी हेल्प की थैंक यू यु, यूनिवर्स वो कमाल की स्टोरी थी है ना इस स्टोरी को सुनकर मेरे अंदर पहले से भी ज़्यादा ट्रस्ट आ गया कि यूनिवर्स किस तरीके से हमारी हेल्प करता है कितने सारे वेज ओपन कर देता है जो हम सोच भी नहीं सकते इस स्टोरी में जो टेक्निक्स यूज़ की गई थी उसे डिस्कस कर लेते हैं पहली टेक्निक जो यूज़ की गई थी वो है लगातार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते रहना इन्होंने हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया इन्होंने हार नहीं मानी सेकेंड है लाइफ पार्टनर में जो क्वालिटीज चाहिए उसे बार बार लिखना जैसा कि इन्होंने खुद स्टोरी में बताया है कि इन्होंने मल्टीपल टाइम्स वो अपने लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज लिखी थी थर्ड था पेशेंस भले ही इन्हें लाइफ पार्टनर नहीं दिख रहा था बट फिर भी इन्होंने पेशेंस को बनाए रखा फोर्थ बिलीव बिलीव एंड बिलीव जी हाँ बिलीव इन्हें पूरा विश्वास था कि इन्हें अपना लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगा तभी इसी विश्वास की वजह से तो इनके अंदर इतना ज़्यादा धैर्य आया पेशेंस तो विश्वास करना है ट्रस्टिंग द यूनिवर्स यूनिवर्स पे विश्वास करना है कि यूनिवर्स हमें वो सारी चीजें देगा जो हमें चाहिए एंड सिक्स टेक्निक थी कि होपलेस होने के बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते रहना ये विश्वास ही है जिसकी वजह से होपलेस होने के बाद भी इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं छोड़ा उसे करते गई अप्लाई करते ही गई तो ये सारी टेक्निक्स यहाँ पे ख़त्म होती हैं मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अगर आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना या मेल के थ्रू भी बता सकते हो एंड हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड तब तक स्टे कनेक्टेड स्टे ब्लेस्ड एंड आई लव यू ऑल